अभी अवेटेड है जो है उसमें से 20 है और ये जाएगा 26 रिपोर्ट अवेटेड। सर प्रवासी जो हमारे मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या तैयारी? प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया है और आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें जो है कुल हम लोगों ने सभी 11 प्रखंड में ब्लॉक क्वारंटीन का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। ब्लॉक क्वारंटीन में अभी हम लोग 71 जो है ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर हम लोग ये किए हैं। पहले ये 55 था और 55 का कैपेसिटी लगभग ये था 5500 था, लेकिन हम लोग इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्योंकि ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं तो उनको ब्लॉक क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने 71 और चिन्हित किया और ये जारी रहेगा और भी हम लोग जो चिन्हित करके हम लोग रख रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का आगमन होते जाएगा और वो एक क्वारंटीन सेंटर भरते जाएगा तो उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई इस पर करेंगे। 17 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है और जो कल जो गृह विभाग का जो पत्र आया है उसमें क्लियर कट है कि बिहार में जो है वो कोई ग्रीन जोन नहीं होगा, जो भी होगा रेड होगा और ऑरेंज होगा, दो ही में है और बक्सर भी चूँकि रेड जोन में है तो उसके लिए जो भी अनुपालन हम लोगों को करना था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इनफैक्ट कुछ जो चीज़ें थी जो दुकान खुलने के लेके बात थी वो कोई दुकान नहीं खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खुलेंगे। कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम लोगों को अनुपालन करना है और कुछ कुछ जो चेंजेज होंगे वो हम लोग एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आपके माध्यम से है जनमानस को भी पता चले कि उनको क्या क्या करना है। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक का वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, किसी भी व्यक्ति को आने जाने की छूट नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि जो भी दुकानें वगैरह भी खुलनी होंगी तो सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेगी। 7 बजे के बाद मतलब जो सार्वजनिक प्लेस पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, लोग अपने घर में रहेंगे, दुकान भी जो होगा वो 7 से 7 ही रहेगा। तो आपके माध्यम से सभी लोगों को यह है कि अब सुबह में यह नहीं पता चले कि लोग घूमने ऐसे ही निकल जा रहे हैं, इस तरह के लोग अगर पकड़ाते हैं तो उन पर एक्शन होगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो है इसमें एक अपील किया गया है और साथ साथ डायरेक्शन भी है कि सभी जोन में है कि मतलब ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल जोन, हम लोग चूँकि रेड जोन में हैं उसमें क्या है कि 65 साल से अधिक के व्यक्ति और 10 साल से कम और गर्भवती महिला इनका जो है घर पे ही रहना है। अगर वो आते हैं तो अनावश्यक रूप से उन्हें निकलेंगे, उनके पास वैलिड रीजन होगा तभी वो लोग निकलेंगे। तो पुनः रिट्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि 65 साल से अधिक के जो लोग हैं, 10 साल के से कम के जो लोग हैं और गर्भवती महिला, इन लोग जो है और घर पर ही निकले। अगर किन्हीं के घर में अगर पुरुष हैं वो कोशिश करें कि अपने जो है बुजुर्ग जो भी उनके पिता हों या जो भी गार्जियन हों या बच्चे हों उनको जो है वो नहीं भेजें घर से। उसके बाद जो सेम पहले भी था इसको पुनः हम लोग इसको स्ट्रेस हम लोग कर देना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह हम लोग जब जा रहे थे देख रहे थे कि रिक्शा का भी परिचालन हो रहा था, जो नॉर्मल जो रिक्शा पुलर हैं वो जा रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और इसके संबंध में SDO और SDPO को हम लोग करा पत्र भी हम मेरे स्तर से निर्गत किया गया है कि ई रिक्शा हुआ और रिक्शा हुआ इसका भी परिचालन नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो है कि जो बाइक का है, बाइक वाला भी ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आवश्यक वस्तु का जो उनको लेने जाना है उसको लेकर रहेगा और सिर्फ जो है एक बाइक पर एक ही आदमी अभी भी अलाउड है। और जो फोर व्हीलर है फोर व्हीलर में एक ड्राइवर के अलावा जो है 2 व्यक्ति अलाउड है, तो इसमें भी किसी तरह का कोई छूट नहीं है। और जो इम्पॉर्टेंट है जो पहले हम आपको बता दिए हैं कि किसी भी तरह का जो मार्केट है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक वस्तुएं की जो दुकान थी, जो किराना दुकान है, दवा दुकान थी, बस यही ओपन रहेंगी, रेस्ट जो है वो दुकानें कोई ओपन नहीं रहेंगी और वो जो होगा 7 से 7 ही रहेगा, उसके अलावा किसी तरह का कोई छूट नहीं है।